राजस्थान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रदेश की सियासत में अच्छा खासा रसूख रखने वाले नेताओं को पार्टियां अपने अपने पाले में लाने की कोशिशें कर रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने महाराणा प्रताप के वंशज और मेवाड़ राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को पार्टी में शामिल कराकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। और क्या है इनका राजनीतिक रसूख, आइए बताते हैं आपको। महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ राज्य के अंतिम महाराणा भगवत सिंह के पुत्र हैं। उनके दो पुत्र महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ हैं। उनके पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ चित्तौड़गढ़ से सांसद रह चुके हैं, जबकि विश्वराज सिंह का परिवार मुंबई में रहता है। छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ अपने पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के साथ सिटी पैलेस के पास बने राजमहल में रहते हैं। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ सीधे तौर पर राजनीति से तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें अपना सलाहकार बनाया हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी के खिलाफ विश्वराज सिंह को नाथद्वारा से उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद ये सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन गई है। ये सीट कांग्रेस का गढ़ है, क्योंकि साल 1980 से लेकर अब तक विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी यहां से 5 बार विधायक रह चुके हैं। यहां कुल वोटर 2,34,000 से ज्यादा हैं। इसमें सबसे ज्यादा करीब 80,000 वोट राजपूत समाज के हैं। इसके बाद आदिवासी और फिर ब्राह्मण समाज के आते हैं। इससे साफ है कि इस सीट पर मुकाबला रोचक होगा, लेकिन अब देखना यह है कि चुनाव में बाजी कौन मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद लाइव।